पहला सेमीफाइनल मुकाबला दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है। एक तरफ देवभूमि एकेडमी तो दूसरी तरफ अल्लाह खाब डिबुलेंस है। इस प्रदेश के टॉस जीता है पूर्व मुख्यमंत्री देवभूमि एकेडमी ने और कोर्ट चूज किया है। पहली लड़ देखने को मिलेगी लखाब जी। मुकाबला स्टार्ट। पहली रेट लखाब की तरफ से सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है रॉबिन लंबी कदकाठी बेहतरीन खिलाड़ी है। अब कंटिन्यू मैच चलेंगे, हमारे तीनों ग्राउंड खाली हो रहे हैं। बोनस का प्रयास, बुलाने ना पड़े, एक दिन का विलंब ऐसे चल रहा है खेल में। वन टच पॉइंट तो सारी टीमें इधर ही बनी रहे। करण बेहतरीन खिलाड़ी है। बोनस का प्रयास गुरुजी एक बार कल के लिए भी जरूर। क्या मिलेगा बोनस? कल 8 बजे से मैच शुरू होंगे। जो टीम 8 बजे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सबको मालूम है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रहना है, इसलिए 8 बजे से मैच शुरू होंगे। तो कृपया यह सूचना भी सभी कैप्टन को दे दें, सभी टीम के जो खाता खुल चुका है लखाब का भी दे दें। 8 बजे अंतिम समय होगा। दो फ्रीड में रॉबिन बात समझ में नहीं आ रही, जो इतने दूर की टीमें आ रखी उनको एक ही कॉल पे वो मैदान में आ जाते हैं। क्या ये सुपर रेड है, क्या मल्टी पॉइंट रेड है बताओ। आधा आधा घंटा एक टीम ले रही है तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम। सुपर रेड इनके मैच में भी कटौती की जाएगी सर, दो दो मिनट होगा। अरे हाजा इधर तैयार है, हाजा बेहतरीन है। आप लोग ये कमाल का खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, अनाउंस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हद हो गई। और बेहतरीन खेल दिखाने का माहिर। बोनस का प्रयास किया है, बेहतरीन एंकल होल्ड अनाउंस किया जा रहा है मुकुल द्वारा। वो टीम जल्दी से बोला वो एक पर पहुंच। पहला सेमीफाइनल मुकाबला दो के डिफेंस में लक्ष्य करना है सामने से जल्दी से पहुंचे। एक और पॉइंट नंबर 2 पे देवभूमि एकेडमी लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं। अगर यहां से मुकाबला चल रहा है 6-0 से लखावटी आगे हैं। पॉइंट नहीं मिलता, बिल्कुल पॉइंट मिला है और मुकुल को फार किया है। लाफ्ट कॉर्नर पर निशाना बनाया है, संभवतः मैदान में पहुंच गई है और खाता खुलता हुआ देवभूमि का। 5 मिनट का समय लगा हुआ है आपके लिए, अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो बाहर हो जाएगी टीम। 30 सेकंड रह गए सर, 30 सेकंड देवभूमि के ओनर रंजी पूरा मुकाबला यहां पर देखते हुए इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है। देवभूमि खेलने का समय थोड़ा कम कर देना, हजार इनका दो दो मिनट है सर, टाइम 5 मिनट पहले ले गए। एक तरफ युवा टीम देवभूमि जिसमें बहुत कम उम्र, ऑन एवरेज अगर उम्र की बात की जाए टोटल टीम डेरियो, ये चारों टीमें तैयार हो जाए। गौरव क्या मल्टी पॉइंट रेड है, दो पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट मिलता हुआ एक पॉइंट और। राइट कॉर्नर जिन्होंने चैलेंज किया था कि मुझे टच नहीं किया है, फिलहाल चश्मा दिया यहाँ पर एक पॉइंट, चश्मा भी रॉबिन को एक पॉइंट, करंट लगता है एकदम से इस तरह का चश्मा यहाँ पर दिया। लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं और ऑल आउट को टाल रहे हैं बहुत समय से। मात्र खिलाड़ी क्या ऑल आउट होने से अपनी टीम को बचा पाएंगे, बोनस से बात नहीं बनेगी, टच पॉइंट लाना अनिवार्य होगा। चेन में है तो जरूर लगाई है लेकिन कामयाबी मिलती हुई लखाब को, ऑल आउट मिलता हुआ देवभूमि को। शुरू में बहुत बड़ी लीड है लखाब के पास इस मुकाबले में 11-3 का स्कोर इन फेवर ऑफ लखाब। लक्ष्य जर्सी नंबर 12 के साथ आयुष ये बेहतरीन खिलाड़ी, अगर इसको शांत रखती है लखावटी तो बहुत बड़ी कामयाबी। लाइट बोनस का प्रयास, बहुत अच्छी स्किल है इनके पास कमाल, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा। बोनस लेकिन आज जिस तरह से एक पैर हवा में होना चाहिए, दूसरा पैर बोनस लाइन क्रॉस होनी चाहिए, जैसे बोनस की कोशिश की आसानी से ये अटेम्प्ट किया है, क्या स्वीकार किया जाएगा ये भी। फिर एक बार बोनस का प्रयास और इस बार बोनस मिलता हुआ। बोनस के बादशाह हैं पहला सेमीफाइनल मुकाबला कबड्डी के, जो कि अभी जूनियर इंडिया कबड्डी के कोच बनकर गए हैं। 50 रुपए 50 रुपए
फिलहाल आयुष शॉट का डिफेंस फुल स्क्वायर बोनस ऑन लक जैक्सन में बेहतरीन पल्टी मल्टी पॉइंट रेड बोनस प्लस टू सुपर रेड की थी ये करंट डू और डाई डबल एंकल होल्ड डबल किया है दोनों हाथों से पहले ललित उसके बाद आपको बता दें कि साहुल गौरव दोनों प्रॉपर्टी के खिलाड़ी हैं जो लखनऊ की टीम से खेल रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ एंकल होल्ड किया तो उसको डबल एंकल होल्ड बोले। एक और बेहतरीन रेड मल्टी पॉइंट रेड दूसरा लोना लगता हुआ दो खिलाड़ी कोर्ट में क्या टाल पाएंगे। हरियाणा वर्सेज चंडीगढ़ ए सेकंड सेमीफाइनल के लिए कोर्ट संख्या एक के लिए तैयार रहे 3-18 स्कोर बड़ी लीड 15 पॉइंट की लखावटी के पास दूसरा पहली 6 मिनटों के अंदर आयुष एक बार फिर से रेड पर आयुष की बेहतरीन स्किल है लेकिन स्किल काम नहीं कर रही है। खिलाड़ी यहाँ पर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। आपको बता दें कि जो न्यू जनरेशन है उत्तराखंड की जोन चार की यहाँ कामयाबी उनको मोटिवेशन मिलेगा इस चीज से कि उनके साथ खेल के उनको देख के उनसे सीख कर क्योंकि हर दिन सीखना होता है आपको लर्न करना होता है चाहे आप स्टडी के लिए करें चाहे आप स्पोर्ट्स के लिए करें चाहे आप बिजनेस के लिए करें लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम खेलों की बात करेंगे क्योंकि इतना शानदार ये आयोजन है। यमुना हमारे जो ढोल दमोह पर जो स्वागत समिति अपना योगदान दे रही है आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं क्योंकि आज के विशिष्ट अतिथि मुकुल रेड में पहली बार संदीप पटवाल जी हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। स्वागत समिति के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कृपया आप लक्ष्य बोनस का प्रयास डबल खिलाड़ी आए एंकल पर दोनों ने एक-एक एंकल को पकड़ा और लक्ष्य को तरास आई गया। आवाज को थोड़ा खोल दें करण मुकुल आए सामने से निकल कर ब्लॉक करने का प्रयास माइक की आवाज को थोड़ा खोल लेकिन पॉइंट मिलता हुआ सेकेंड सेमीफाइनल मैच बिटवीन हरियाणा वर्सेस चंडीगढ़ 6-24 स्कोर बाद आप नंबर 1 पर पहुंच जाए। सेकेंड सेमीफाइनल मैच फर्स्ट कॉल टू बोथ द टीम हरियाणा एंड चंडीगढ़ ये भात्री टैकल देना है मनुका पाल का टैकल है देवभूमि एकेडमी की टीम का आयुष 4 के डिफेंस में सात 24 स्कोर गौरव बार बार बचाव कर रहे हैं ब्लॉक करने का प्रयास क्या ओवर पॉइंट 24 टाइम आउट लिया है स्कोर की बात करें तो 8-24 स्कोर 16 है पॉइंट की लीड लखावटी के पास। हमारी समिति के अध्यक्ष ललित एक बार फिर रितेश बड़ी कृपया 16 पॉइंट की कष्ट करेंगे क्योंकि संदीप वर्तवाल जी मुख्य द्वार पर आ ही चुके हैं इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बेहतरीन उनको सम्मान टैकल करने का प्रयास लेकिन कामयाबी मिलती है ललित को 2 पॉइंट मिलते हुए मध्यांतर के समग्र स्कोर की बात और हमारे अतिथियों का तो 26-8 स्कोर होता हुआ फिलहाल पहले हाफ की कहानी 26-8 समाप्त और मिलते हैं मुकाबला स्टार्ट दोस्तों एक बार फिर सेकंड हाफ का मुकाबला फर्स्ट हाफ की बात करें तो लखावटी के नाम रहा फर्स्ट हाफ गौरव सेंटर में बेहतरीन एंकल होल्ड सॉलो टैकल बोल सकते हैं आप इसे बिल्कुल मुकुल ने जबरदस्त एंकल होल्ड किया ध्यान दें कीड़ा मंच आदरणीय गुरुजी कृपया ध्यान दें आपको जब भी जरूरत पड़े
हल्का सा कॉल करिएगा तो यहाँ बंद हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा है। चार के डिफेंस में ये मुकुल के लिए डू और डाई रेट है। टीम ने बोला है या तो लेकर आइए या दे कर आइए, और बिल्कुल दे कर आइए। ये मुस्कुराहट बताती है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। पॉइंट मिलता हुआ बेहतरीन टैकल देवभूमि की कोशिश करण और गौरव को मार किया है। गौरव करने के बाद इनका भी गौरव बढ़ा है, टीम का भी गौरव बढ़ा है, क्योंकि गौरव मनोबल बढ़ता है प्रो कबड्डी के खिलाड़ी को जब आप इस तरह का टच करते हैं। में खेलते हुए देखते हैं बड़ा चेहरा है। फिलहाल साहू को बाहर किया है इस बार टीम कप्तान गौरव ने, उनको बाहर बिठाया है, आराम दिया है। पिछले मैच में उनको इंजरी हो गया था, फाइनल के लिए उनको रखा है कि जब तक रिकवर वो हो जाए, कल फाइनल होगा, क्योंकि फाइनल हमेशा बड़े खिलाड़ियों के लिए होता है। बहुत ही रैंकल आउट लेफ्ट में मुकुल के लिए हर रेड डू और डाई रहती है, या तो लेकर आइए या देकर आइए। देवभूमि के बिल्कुल अगर हाथ निकलता है यहां से एक और बेहतरीन टैकल भाई। मुकुल की हर रेड डू और डाई रेड होती है। इस रेड पर है पांच का डिफेंस, छोटे कद के डिफेंडर ने अक्षताई सामने से निकल कर किया इस बार। चार का डिफेंस जर्सी नंबर तीन में राइट कॉर्नर लक्ष्य की रनिंग हैंड टच स्किल है, लेकिन इस बार बाहर जाना पड़ेगा। विशेष अतिथि आदरणीय श्री सैल बाउट जी, स्कोर 32 मैदान सॉरी 12-30 कर चुके हैं। हमारी समिति के 12 पॉइंट है देवभूमि एकेडमी के और 30 पॉइंट है लखावटी। इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री अर्जुन सिंह जी, खजान सिंह नेगी जी, गौरव आए सामने से एक और बेहतरीन टैकल जी, जवाहर सिंह टिकेत जी, यशपाल जी, राजेंद्र जोशी जी। लीड धीरे धीरे बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ रही है देवभूमि एकेडमी की। और आज अतिथि की अगुवाई कर रहे हैं, मुझे बड़ा एक और टैकल सामने से डबल थाई होल्ड। लास्ट पांच मिनट का समय से इस मुकाबले में करणों को पा करके हम सबका मन बहुत उल्लासित होता है, हर्षित होता है। आदरणीय फटवाल जी मंच की ओर अग्रसर है, आपका आप स्वागत के योग्य हैं। मुकुल जर्सी नंबर 12 के साथ मुकुल जैसे क्रिकेट में ईशांत शर्मा है, बिल्कुल कबड्डी में ऐसे हैं, डिफेंडर हैं, क्या आप बात रही नहीं है कि जी हम सभी के रूप में लास्ट चार मिनट का समय है इस मुकाबले में 32-13 स्कोर। बहुत ही सुंदर, जैसा कि मैं इससे पहले कह रहा था कि आदरणीय बर्थवाल जी हम सबके परिवार के सदस्य भी हैं। बेहतरीन टैकल, हमें बड़ा गर्व होता है। लगाने का प्रयास करण का, तो आप अपने व्यस्त सुपर टैकल समय में से अग्रित हमारे लिए समय निकालते हैं। बेहतरीन टैकल, हमारे बीच उपस्थित होते हैं, एंकल होल्ड किया और सुपर टैकल जबरदस्त देखने को मिला देवभूमि की तरफ से। लास्ट 3 मिनट का समय शेष, एक और बेहतरीन एंकल होल्ड, सुपर टैकल ऑन, किक लगाने का प्रयास। अंकित को पहले सुपर टैकल किया था, बेहतरीन एंकल होल्ड किया था, एक बार फिर वही काम, फिर सुपर टैकल श्री देवभूमि की तरफ से। पूर्व ब्लॉक प्रमुख उप प्रमुख कालसी 17-34 स्कोर, महोदय आप आए और फिर वही काम, अंकित फिर आए फिर सुपर टैकल में। बाल एसोसिएशन पचादू, जब तक अंकित पॉइंट नहीं लेके जाएगी टीम भेजती रहेगी। 17 स्कोर 18 पॉइंट, एक और सुपर टैकल, लगातार तीसरा सुपर टैकल देखने को मिला है। 3 सुपर टैकल देवभूमि ने लगातार किए हैं और तीनों में अंकित को बाहर किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं श्री विक्रम सिंह चौहान लकावटी की तरफ से, प्रधान ग्राम पंचायत सवाई, एक और बेहतरीन जंप लगाने का प्रयास ऊपर से मुकुल और कामयाबी मिलती हुई। आदरणीय बर्थवाल जी को लास्ट एक मिनट का समय से उनका स्वागत सम्मान करें।
35-20 स्कोर, थर्ड राइट डू ढाई राइट। आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में श्री खजान सिंह नेगी जी, पूर्व ब्लॉक उप प्रमुख कालसी करण को सिंगल। नेगी जी आप आएंगे गड़बड़ करने का प्रयास, मफलर भेज कर उनका स्वागत। एक बाइट और मिलता वाला खापी को। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दयाराम चौहान जी, महोदय आप भी आए और श्री प्रतवाल जी को टोपी पहना कर उनका स्वागत करें। एक राइड और देखने को मिलेगी श्री जयराम चौहान जी। अंकित एक बार फिर क्या पॉइंट लेकर कामयाब होंगे इस मुकाबले में, अभी तक पॉइंट नहीं मिला है और अंकित को पॉइंट चाहिए ही चाहिए। अब मैं आमंत्रित लगाने का प्रयास इस समिति के संरक्षक आदरणीय श्री मठोर सिंह चौहान जी, वर्तमान में आप ब्लॉक प्रमुख हैं कालसी विकास खंड के, एवं श्री एक बार बैक होल्ड देखने को मिला और मुकाबला होता हुआ समाप्त दोस्तों। 36-23 स्कोर, बर्तवाल जी को लखावटी फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।